सो गाइस मैं था पानीपत में और आप आ चुका हूँ दिल्ली में और ये दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है और अब मैं जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा वेनिस मॉल जो वहाँ पे जाके दिखाऊंगा कैसा क्या सीन है आपको। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सीलमपुर और अब यहाँ से जाऊँगा जाफराबाद जहाँ पर मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो मुझे मिलेंगे। तो अभी जाफराबाद जाऊँगा, अगर कुछ घूमने की जगह है तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और बाकी यहाँ से फिर मैं जाऊँगा ग्रेटर। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के बाहर एंड यहाँ पे एक मेरा दोस्त है तो उस दोस्त से मैं मिलूंगा एंड यहाँ पे सीलमपुर में क्या है घूमने की जगह वो दिखाने की कोशिश करूंगा एंड नहीं तो फिर मैं नोएडा 18 जाऊंगा वेनिस मॉल एंड वेनिस मॉल का वीडियो शूट करूंगा एंड क्या है और यहाँ पर देखता हूँ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। सो गाइस फाइनली मैं जाफराबाद में पहुँच चुका हूँ एंड जाफराबाद में ये दो दोस्त मेरे मिले हैं एंड अभी हम जाएंगे अंदर सिटी की तरफ और यहाँ पे होटल्स है जो दिखाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ आसपास में देखेंगे क्या घूमने की जगह है नहीं तो फिर और देखते हैं बताता हूँ मैं आपको जैसा क्या है वीडियो बना के बताता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे दो लाइनें, एक ये ब्लू लाइन है एंड ये रेड लाइन है सामने, ये स्टेशन जुड़ा हुआ है आनंद विहार। सो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो मैं न्यू अशोक नगर पहुँच चुका हूँ, ये पूरा वीडियो यहीं का है न्यू अशोक नगर का। आप देख सकते हो ये मेट्रो स्टेशन है न्यू अशोक नगर, वो सामने पहाड़ है बहुत प्यारा लग रहा है और यहाँ पे एक टावर है, ये टावर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये टावर है नाइट में मस्त लगता है। सो गाइस फाइनली मैं नोएडा में न्यू अशोक नगर हूँ, राइट न्यू अशोक नगर और ये मेरे दोस्त है हर्ष मिला एक और हाँ और अब हम लोग यहाँ पे कुछ खाने आए हैं, ये बिहार का बहुत मशहूर है, क्या नाम है भाई इसका, निक्की चौका, लिट्टी चौका, अच्छा लिट्टी चौका है ये देख सकते हो आप, लिट्टी चौका नाम है इसका, बिहार का बहुत मशहूर है और खाने में भी टेस्टी था, अभी मैंने खाया है इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर दूं। तो ये देखो ये स्टेशन के नीचे उतरोगे ना न्यू अशोक नगर तो आपको इसका लिट्टी चौका मिल जाएगा बिहार का खाने को, तो मैं तो ये कहूँगा अगर दिल्ली आ रहे तो एक बार जरूर आओ खा के जाओ। हर्ष अरे हाँ मेरे को मालूम है मेरी तारीफें कर रहा है, ये मेरी तारीफें कर रहा है, वहाँ बोला मॉडल है ये करता वो करता है ब्लॉगर है। खैर अभी कहाँ से हर्ष बता, अभी सूरजपुर जा रहे हैं एंड ब्लॉग शूट करने और ग्रेटर नोएडा जाऊंगा और भी देखते हैं बताता हूँ। सो भाई फाइनली आप लोग देख सकते हो ये नोएडा है और काफ़ी विकसित सिटी है, मतलब अपन सोचते हैं ना यूपी बेकार होगा ये वो, तो ये यूपी की सिटी है एंड नोएडा सिटी है ये, मतलब दिल्ली से सटी हुई है तो काफ़ी अच्छी है यार, मतलब काफ़ी विकसित है एंड अगर यूपी के हो आप लोग तो नोएडा में जाके बसो, बहुत अच्छा है यूपी का, अच्छा है लखनऊ भी अच्छा है, वैसे बढ़िया शानदार सिटी है एंड मुझे तो अच्छा लगा आकर के। तो गाइस मैं दिन भर से खुशी खुशी घूम रहा था, अभी थोड़ा हमारा मूड ऑफ हो गया है भाई यार, नोएडा फिर ग्रेटर नोएडा बहुत बड़ा एरिया है यार भाई, मतलब हमारे को पूरा 2 घंटा आ गया, मेरे को लग गया पूरा आने में वहाँ से नोएडा सेक्टर 15 से यहाँ पे आए, 1 घंटा पूरा लग गया है और अभी भी हम वेनिस मॉल नहीं पहुँचे, अभी आधा घंटा लगेगा, जा रहे हैं और ये दोस्त भी यहाँ पे मेरा परेशान हो गया, 1 घंटे से खड़ा हुआ मेरे वेट पे और भाई क्या करूँ यार, मैं भी मजबूर था, मैं तो अब क्या बोलूँ, मैं झूठ क्या बोलूँ ऑटो में आया था, पहले मेट्रो में आ रहा था फिर ऑटो में आया, जो ऑटो वाला भी भगा के लेके आया कैसे भी करके, एंड मेरी खुद की कार या मेरा खुद की बाइक यहाँ पर होती तो मैं भगाते हुए आता था, अब वो तो सब अजमेर में है यहाँ तो कुछ है नहीं। खैर कोई ना, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आप ग्रेटर नोएडा जा रहे हो तो भाई आपको 2-3 घंटे पहले घर से निकलना पड़ेगा फिर जाओ उधर, नहीं तो जल्दी तुम सोच रहे हो ना 15, उसमें मोबाइल में लोकेशन में कहता है कि 30 मिनट में आधे घंटे में आप पहुँचोगे तो नहीं पहुँचने वाले, आपको टाइम लग जाएगा पूरा 1 घंटा आने में, तो सो देख सकते हो। बाकी गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो मैं वेनिस मॉल पहुँच चुका हूँ, ये ग्रेटर नोएडा में मॉल है ये और बहुत शानदार मॉल है और काफ़ी मतलब फेमस भी है, तो अभी अंदर हम जाएंगे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कैसा क्या सीन है और अंदर दिखाता हूँ मैं जाके पहुँच के, बट यार फ़ोन की बैटरी लो है, हाँ तो अभी अंदर इसीलिए दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो मैं वेनिस मॉल के अंदर हूँ और ये वेनिस मॉल का ऐसा कुछ सीन है, ये एंट्री गेट है दिखाता हूँ मैं आपको, ये काफ़ी अच्छी जालियों में नक्काशी करी गई देख सकते हो, और ऊपर ये देखो, सो गाइस देखो यार ये चलने वाली है, अभी ना दिखा
करेंगे नाव की सवारी करेंगे अपन दोनों। चल चलो अभी हम जा रहे हैं नाव की सवारी करेंगे, पहले फोन चार्ज करेंगे। आप देख सकते हो यार क्या गजब सीन है यहाँ का, देखो यार ये पूरा यूरोप लग रहा है। भाई तो बहुत खुश हो गया गाइस, बहुत ज्यादा पूरा यूरोप लग रहा है मेरे को तो। ये मैं भी चाहता था तो गाइस देखो अपन का दोस्त है भाई, ये मेरा दोस्त है मेरे साथ में है। अभी हम जाएंगे नाव में सवारी करने। ओके गाइस, मैं यहाँ पे आके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो खैर आते रहते उसको कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो बहुत एक्साइटेड हो रहा, मतलब बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पे आके। और मैं तो ये कहूँगा एक बार अगर आप लोग दिल्ली में आ रहे हो ना तो ग्रेटर नोएडा जरूर आओ, इस मॉल में जरूर आओ, इस मॉल में घूम के जाओ, बहुत जोरदार जगह, बहुत शानदार जगह। एंड हमने तो अभी हमने तो घूम लिया है। सो गाइस जितनी भी तारीफ करूँ ना इस मॉल की यार उतनी कम है मेरे लिए यार, बहुत गजब मॉल है यार, मतलब क्या बताऊँ यार, कौन से शब्द निकाल के लेके आऊँ मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। इधर भी नीचे भी दिखाता हूँ आपको कैमरा घुमा के। और ये मेरा दोस्त है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना भाई है मेरा। और जाएंगे बचाएंगे और तुमको दिखाएंगे और घुमाएंगे। देख सकते हो ये पूरा, अभी हम नीचे जाएंगे नाप हम खाएंगे और घूमेंगे ऊपर। देखो ऊपर ये क्या है, बम छूट रहे हैं। अच्छा पटाखे छूट रहे हैं गाइस। देखो आपको भी तैरना हो तो आ जाओ वेनिस मॉल, वेनिस मॉल आ जाओ अगर आना तो भाई। आने के बाद तो जाने का नाम भी नहीं लोगे। हाँ। सो बहुत हैप्पी, मैं तो आता रहता हूँ, फ्रेंड है मेरा, बहुत फर्स्ट टाइम आया है इसको दिखाया इस स्टेडियम। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये वेनिस मॉल की यूरोप सीढ़ियाँ हैं, जो यूरोप की प्रसिद्ध सीढ़ियाँ हुआ करती थी पहले की, ये यूरोप की प्रसिद्ध सीढ़ियाँ हैं। एंड ऐसे ही घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, इधर देख पीछे देख, ऐसे प्रसिद्ध सीढ़ियाँ हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये यूरोप की सीढ़ियाँ हैं और बहुत गजब है यार यूरोप सीढ़ी, देखो क्या गजब है यार, यूरोप का कल्चर है इसमें, सारा कल्चर वो यूरोप। ये मेरा भाई है। और कुछ चाय नाश्ता। तो आप देख रहे हो बहुत। हाँ और मैं तो यही कहूँगा कि एक बार आ रहे हो ना भाई दिल्ली तो ये वेनिस मॉल जरूर देख के जाओ। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये टिकट है 300 और 400 रुपये, संडे को 400 रुपये और 300 रुपये है फ्राइडे को। तो आप अगर यहाँ पे नोएडा आ रहे हो तो खूब फन कर सकते हो और काफ़ी सस्ती टिकट, अच्छा है बाकी मज़ा बहुत आएगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये नाइट का सीन है, कुछ ऐसा लगता है यहाँ का वेनिस मॉल का, बाकी काफ़ी शानदार मॉल है जो नाइट का, ये देख सकते हो आप। अभी डे का दिखाया था मैंने आपको, अब ये नाइट का सीन है देख सकते हो आप। सो गाइस फाइनल हम लोग जा रहे हैं त्रिलोकपुरी, वहाँ पे मेरा दोस्त का घर है जो उसकी मम्मी ने इन्वाइट किया मेरे को, मतलब खाने पर तो मतलब डिनर पर, तो अब मैं जाऊँगा तो वहाँ पर देखता हूँ क्या बनाया उन्होंने एंड देखते हैं अब क्या कैसा क्या सीन दिखाता हूँ जाके। सो गाइस हम लोग त्रिलोकपुरी में और यहाँ पे थोड़ा मुस्लिम एरिया भी है जो आप देख सकते हो, रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में ये रौनक है थोड़ी, यहाँ पे सजावटें करी गई है ये दो बिल्डिंग में देख सकते हो आप, तो काफ़ी अच्छी सजावट की गई है, बाकी शानदार लग रहा है ये रमज़ान की रौनक है देख सकते हो आप, माशाल्लाह शानदार है। आप देख सकते हो मेरे दोस्त के घर पे हूँ अर्ज के, और ये है मटन कीमा करेला। गाइस देख सकते हो यार ये इनके मम्मी ने बनाया है और मैं पहली बार खाने जा रहा हूँ, मैंने कभी खाया ही नहीं है वैसे। कैसा टेस्ट लगता है खा के देखता हूँ, अच्छा बनाया है यार, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, आप टेस्ट करके देखते हैं। एंड ये मेरा दोस्त हर्ष और दोस्त का भाई सागर क्या नाम है, हर्ष भाई कैसा है। सो गाइस फाइनली देख सकते हो मेरा दोस्त है हर्ष चौहान एंड ये लेके आया कार एंड अभी हम दिल्ली में फुल एंजॉय कर रहे हैं। लाइट तो ऑन करो यार बाबा थोड़ा। और ये लेके आया कार एंड हम दिल्ली में फुल एंजॉय कर रहे हैं
और फुल मजे है बाबा। कैसा लग रहा है मिलके, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और बाबा आपको? बढ़िया भाई बढ़िया। और आपको भाई? बढ़िया लग रहा है। एंड फुल एंजॉय ब्रो। एंड अभी जा रहे हैं हम अक्षरधाम घूमने, अब वीडियो शूट करके बताता हूं आपको कैमरा घुमा के। सो गाइस फाइनली मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन में पहुंच चुका हूं। ये दिल्ली पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन है जो कि काफ़ी पुराना है, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, तो काफ़ी शानदार बना हुआ है एंड लाइटिंग भी शानदार है। जो कि अजमेर का रेलवे स्टेशन और ये पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन दोनों शानदार लगते, सेम लग ही रहे मेरे को तो। एंड अच्छा लगा मेरे को दिल्ली आके, आई होप तुम भी आओगे तो तुमको भी अच्छा लगेगा। बाकी मुझे तो फुल इन्जॉय किया मैंने, दिल्ली बहुत अच्छा लगा। एंड आज मेरा फाइनल शूट है एंड मेरी वीडियो हो चुकी है फाइनल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक्स किया करो एंड शेयर किया करो एंड सब्सक्राइब किया करो एंड तुम्हारा छोटा भाई यार सपोर्ट किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं इंशाल्लाह आपके शहर में भी आऊँगा, कोई